एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जियान ने बता दिया होता है कि मैं अपनी नई फैमिली के पास जा रही हूँ। सारे भाई बहन बहुत चौंक जाते हैं। उसकी माँ सारी बातें उन लोगों को समझा देती है, फिर भी कोई मानने को राजी नहीं हो रहा होता है। अब हमें डयंग का घर दिखाते हैं। वहाँ पर अंशियों के कमरा सजाने के लिए लोग बुलाए जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, उसने हाँ तो नहीं कहा है ना। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ना भी तो नहीं कहा है। डयंग कहता है कि सही कह रहे हैं, अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला, हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। तभी फ़ोन आ जाता है और मैंगमिट बताती है कि उसने हाँ बोल दिया आने के लिए। यह सुनकर ठसका लग जाता है और वो बाथरूम में चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोता है। बाहर आता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि आप ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस ठसका लग गया था और कोई बात नहीं है। जयसुन कहता है कि मीडिया वालों से हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। डयंग कहता है कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है जल्दी मिलोगे, मगर बहन तो खुश नज़र नहीं आ रही थी। अब हमें दिखाते हैं जीते जो होता है अपने कंप्यूटर पे उस फैमिली के बारे में जानकारी निकालता है और सब लोगों के बारे में पढ़ता है और फिर कहते हैं कि अच्छा तो उसका एक बड़ा भाई भी है। आगे हमें दिखाते हैं कि जियान जो होती है वो डयंग को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारा हिस्सा पूरा ख़त्म करके रहूँगी। ये बात सुनकर वो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो वो बोलती है बिल्कुल नहीं, 3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी पहुँच जाओ। कहाँ पर हो तुम मुझे बताओ, मैं ही वहाँ पर आ जाती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है आता हूँ। अब जियान जो होती है बैंक से पैसे लेती है और पहुँच जाती है वहाँ पर। डयंग गाड़ी में बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मैं उससे पैसे लेना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर आ जाती है और उसे गाड़ी से निकलने के लिए बोलती है। वो कहता है नहीं नहीं मैं गाड़ी से नहीं निकल सकता हूँ, तुम्हें जो कहना है मुझे यहीं कह दो। तो वो कहती है ठीक है ये लो तुम्हारे पैसे। वो बोलता है अरे तुम मजाक कर रही हो क्या। वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, खुद ही गिन लो। और वो उसे पैसे दे देती है। पैसे देकर वो बोलता है कि अरे ये तो पूरे पैसे लग रहे हैं। तो कहती हाँ लेकिन इसमें से मुझे ना $200 दे दो जो मेरे खर्चा हुए थे। और वो उन पैसों को निकाल लेती है और कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया, अब पैसों को गिन लो तो मैं जाऊँ यहाँ से। लेकिन वो लेना नहीं चाहता था इसलिए वो बाहर निकल के आ जाता है और कहता है कि नहीं मैं नहीं लूँगा, ये तुम वापस ले लो। तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा कर्ज उतारना था तो मैंने उतार दिया, अब ज़्यादा नाटक मत करो। तो वो बोलता है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाई, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लोन वाले के चक्कर में फंस जाओ या कोई और ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। तो वो बोलती है इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जियान कहती है कि कल तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया था ना, तो आज मेरी तरफ से तो हिसाब ख़त्म ही समझो, तो ये पैसे लो और हिसाब ख़त्म करो, अब मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। वो जाने लगती है तो उसे पीछे से पकड़ लेता है लेकिन गलती से उसका शर्ट उसके हाथ में आ जाता है। तो वो बोलती है क्या कर रहे हो तुम। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ। वो मुड़कर उसके पास आती है तो वो पैसों की थैली उसके हाथ में देकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और पैसे वहीं रखकर चली जाती है। वो चिल्लाता ही रह जाता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब जियान की माँ जो होती है अपने हस्बैंड को बुला लेती है और उन्हें सारी बात बता देती है। ये सुनकर वो बोलते हैं तुमने अपनी बेटी जियान को उनकी बेटी कैसे बता दिया, तुम्हें पता नहीं है कि जीसू है उनकी बेटी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहती है हमारी बेटी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन मैं उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ, तो उसमें क्या गलत करती हूँ। जियान के पापा इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जियान वहाँ जाना चाहती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। जियान जो होती है बेफिक्री से यहाँ वहाँ घूम रही होती है। वहाँ डयंग जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे बस यही ख्याल आ रहा होता है कहीं इस लड़की ने कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया जिसकी वजह से कहीं वो कहीं फंस ना जाए, और उसका दिमाग बस ख़राब होया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी यून आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी को पैसे देने होते तो तुम क्या करते। यून कहता है कि मेरी नौकरी से चुका देता। तो डयंग कहता है अगर तुम्हारी नौकरी भी नहीं होती तो कहता है अगर कुछ नहीं हो पाता तो मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेता। ये बात सुनकर वो कहता है अच्छा तो पेरेंट्स से भी ले सकते हैं, लेकिन वो सोचता है अगर पेरेंट्स के पास भी नहीं हुए तो कहीं बार में तो काम नहीं करने लग गई, एक बहन के 10,000 यानी दोनों बहनें तो नहीं हो गई, बेचारा और टेंशन में आ जाता है। अब मैगनी जो होती है अपनी बेटी का कमरा सजा रही होती है, छोटी वाली पर तो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो बेचारी जा रही होती है और अपनी माँ से कहती है लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं है। मैगविन जिया की माँ से मिलती है तो वो बताती है कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है और वो बाहर जाके पढ़ना चाहती थी, ये उसका सपना है। ये बात सुनकर वो कहती है अब वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। जियान की माँ को दुकान के कागज़ देती है और कहती है कि ये आप लोग ले लो और आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिताओ। ये देखकर वो बोलती है नहीं नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, लेकिन मैगविन उसे ज़बरदस्ती वो दे देती। अब डयंग जो होता है अपने दोस्त से मिलता है और वो उससे भी ये सारी बातें बता रहा होता है। तो वो बोलता है आखिर ये लड़की कौन है भाई, इतनी इंटरेस्टिंग जिसके बारे में तुम बात किए जा रहे हो। वो बोलता है पता नहीं यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसका दोस्त कहता है कि पैसे तो तुम्हें मिल गए हैं लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी ज़्यादा ही चिंता हो रही है, आखिर क्या बात है।
जियान जीसू के साथ बैठी होती है। जीसू बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि वो अपनी बहन से दूर नहीं होना चाहती है। तभी दोहन का फ़ोन आ जाता है। अब वो हेलो तो बोलती है लेकिन वो आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देती है। ये सुनकर वो कहता है कि देखा, उसने मेरा फ़ोन फिर से काट दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ उस लड़की। अब हमें जीते को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। ये लाइब्रेरी में होता है और थोड़ा अच्छा वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन वहाँ होने की वजह से बेचारा ये भी नहीं कर सकते हैं। अब वो बोलता है कि एक दिन देखना, मैं बहुत बड़ा मकान खरीदूंगा, तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। अब वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है तो वो उसे बोलती है कि कल मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ पर चलोगे मेरे साथ। वो उसे मना करता है लेकिन वो इतने क्यूट तरीके से पूछती है कि आखिर वो मान ही जाता है। रियान की माँ जो होती है उन्हीं कागजात को देख रही होती है। तभी उनके हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा, मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकता हूँ। तो उसकी माँ रो रो कर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे ज़िंदगी अच्छी हो रही है तो होने दो ना। अब हमें जियान को दिखाते हैं जो कि सुनवू के साथ उसी रेस्टोरेंट में होती है। यहाँ पर जीसू बहुत ज़्यादा परेशान थी इसलिए मिस्टर कैंग उसे उसी रेस्टोरेंट में भेज देते हैं। जियान जो होती है सुनवू के साथ बैठी होती है और बस थोड़े बहुत बातें याद कर रही होती है। सुनवू जो होता है अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था लेकिन वो उसे दोस्त कह देती है, तो बेचारा वो भी हंस कर यही कह देता है। जीसू वहाँ पर आती है तो सुनवू को देखती है कि वो किसी को छोड़ रहा होता है। ये देख कर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड। अब हमें जियान को दिखाते हैं जिसे उसके पापा ने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया होता है। जियान के पापा उसे जाने से मना करते हैं तो वो कहती है कि मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे अब निकलने का मौका मिला है, मेरे असली माँ बाप मुझे मिल गए, तो मैं ये ज़िंदगी अब और नहीं जीऊँगी, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफें पाली, अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पापा देखते ही रह जाते हैं। बाहर जाकर वो बहुत रोती है। उसकी बहन वहाँ पर आती है और कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो इस तरह परेशान तो मत हो। तो वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे जाना है, बस मैं जाके रहूँगी। तो कहती है कि पैसों के लिए क्या तुम हमको छोड़ दोगी। तो वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अपने असली माँ बाप के पास तो जाना ही है ना। फिर वो अपनी दोस्त की शादी के लिए चली जाती है। जियान की माँ मैगविन को फ़ोन करके बता देती है कि तुम्हारी बेटी जल्दी ही घर आने वाली है। उसके पापा भी बड़े खुश होते हैं और उसकी पुरानी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब हमें जीते को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी में पहुंच जाता है। वह जो होती है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती है। बाजू में खड़ी हुई लड़की बोलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर रही। तभी जियान वहाँ पर आ जाती है, वो उसकी फ्रेंड होती है, तो कहती है जल्दी चलो अंदर सभी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आगे सुबह जो होती है अपने दोस्त से मिलवाती है जिसकी शादी होती है। सभी जीते से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूल्हा कहता है कि तुम दोनों से कब शादी कर रहे हो। तो जीते कहता है कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। तो सुबह कहती है कि हम दोनों को शादी में यकीन नहीं है। तो वो लोग बातें बनाने लगते हैं तो जीते कहता है कि अभी मन नहीं है, बाद में सोचेंगे। अब हमें दुल्हन को दिखाते हैं, वहाँ पर उसकी दोनों सहेलियाँ खड़ी थी। अब जियान भी वहाँ पर आ जाती है तो दुल्हन कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला। तो जियान कहती है कोई बात नहीं। अब वो 4,000 रुपये निकाल कर योन्हा को दे देती है। तो सब सहेलियां पूछने लगती है कि ये पैसे किस बात के लिए दे रहे, तुमने तो कहा था ज़रा सी लड़ाई हुई थी, तुम दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया। अब सब सहेलियां उसे छेड़ने लग जाती है कि तुमने इतनी सी बात के लिए उससे इतने सारे पैसे ले लिए। तो वो चिड़कर वहाँ से चली जाती है। अब दूल्हा दुल्हन को दिखाते हैं। सुआ उन्हें देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती। जीते जो है समझ रहा था कि वो भी शादी करना चाहती है लेकिन क्या करे, बेचारा मजबूर है। अब जियान जो होती है अपनी सहेलियों के साथ में बाहर होती है तो वो लोग कहती हैं कि यूना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो जियान कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तभी उनकी एक और सहेली आ जाती है और ये लोग बात करने लगते हैं। जीते जो है अपनी बहन को देख लेता है। तभी सुबह वहाँ पर आकर बोलती है कि अरे ये तो तुम्हारी बहन है ना। तो कहता हाँ। फिर वो बाहर निकल जाती है। जीते उसके पीछे आकर बोलता है कि अरे मुझे मेरी बहन से मिलने तो देती। तो वो बोलती है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था सीक्रेटली डेटिंग करेंगे, तो तुम अपनी फैमिली किससे कैसे मिल सकते हो। तो वो बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, हमको शादी थोड़ी कर रहे हैं जो फैमिली से मिलने में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो कहती है कि मेरी माँ मेरे लिए लड़का देख रही है, अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं लौट कर नहीं आऊँगी। तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जोयंग को दिखाते हैं जो अभी भी उसी सोच में होता है और इस चक्कर में वो गिर भी जाता है। जियान घर पर आती है तो उसकी माँ उसे सामान पैक करने के लिए बोल देती है और कहती है कि अच्छे से रहना। वो बेचारी रो रही थी, सामान पैक कर रही होती है। वो जैसे जीसू को दिखाते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है फर्नीचर खरीदने के लिए। वो दो कुर्सियां खरीदना चाहती थी। तो वहां पर जो लड़का होता है वो बोलता है कि यहां पर आप अपना
खुद ही बता दीजिए आप कितना देना चाहेंगी। तो बोलती है कि ऐसा क्यों, ये कुर्सियाँ जिसने बनाई है वो यही चाहते हैं कि आप खुद डिसाइड करें आप इसकी कीमत क्या देंगे। तभी वहाँ पे सुनवो आ जाता है तो वो उसे देख कर नर्वस हो जाती है और अलग अलग रेट बोलने लग जाती है। पहले $100 कहती है, फिर 200 कहती है और फिर 300 बोल देती है। तो वो बोलता है कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब जियान जो होती है अपनी किताबें लेके नीचे आती है, तभी पीछे खड़ा हुआ जोयन उसे दिख जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसे नीचे की तरफ लेके जाती है और पूछती है कि आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर, तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। तो वो बोलता है कि तुमने अगर मेरा फ़ोन ब्लॉक नहीं किया होता तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये पैसे मैं तुमसे नहीं लेने वाला। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है, तुमने ये पैसे बहुत मुश्किल से जोड़े होंगे, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और वो उस पैसों को उसे देख कर वहाँ से भाग जाता है, वो उसके पीछे पीछे भागती है। काफ़ी दूर निकलने के बाद जोयन बोलता है कि अच्छा हुआ अब तो वो मेरा पीछा नहीं कर रही, लेकिन वो सामने ही उसकी गाड़ी के पास खड़ी होती है। अब वो उसके पास जाकर बोलता है कि देखो ये पैसे मैं तुमसे नहीं लूँगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं एक शर्त पे ले लूँगा, अगर तुम मुझे बता दो कि ये पैसे तुम कहाँ से लाई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत चीज़ में फंस कर ये पैसे मुझे दो और मुश्किल में पड़ जाओ। अब वो उसे देने जाती है लेकिन वो उसे लेता नहीं है, तो वो वहाँ रख देती है सामने पैसे और पुलिस को फ़ोन लगा देती है। वो जा रहा होता है तो रुक जाता है, वो कहती है कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है और वो मुझे बहुत ही सता रहा है, तो आप आकर उसे पकड़ लो। ये सुनकर वो कहता है कि देखो तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं ये पैसे ले लेता हूँ, समझ गई। तो फिर वो कहती है कि ठीक है पुलिस ऑफिसर मत आओ। असल में उसने सुनवा को फ़ोन लगाया होता है। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रही है। अब वो पैसे लेके जाता है तो बोलता है कि ये ज़रूर अपने माँ बाप को एक दिन मुश्किल में डालेगी। कार की चाबी कहीं खो जाती है, वो ढूंढने लगता है। अब वो गली गली ढूंढ ढूंढ के चाबी ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको चाबी कहीं नहीं दिखती। वो चाबी के बाजू से गुजर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। सुनवो आ रहा होता है तो जियान उसे मना कर देती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही फ़ोन करी थी। अब जियान जो होती है अपने पापा को फ़ोन लगाती है लेकिन उसके पापा फ़ोन ही नहीं उठा रहे होते। और वो जियान के पापा बैठ कर शराब पी रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, वो अपनी बेटी को जाते हुए देख नहीं पा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।